you have any specific memory of like the two of us like working together or something? Did we do some funny stuff? Like, listen, anybody who knows Gulshan, who has worked with Gulshan, he is the funniest because he keeps cracking jokes out of nowhere, and most of them are really bad PJs. So you end up laughing at everything. Yeah, so because they're so bad, na. Yeah, but why don't you share a PJ with us, Gulshan? अरे नहीं यार, अब बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे. ऑलरेडी मुझे ऐसे वो डीके बोस वाला गाना भी कोई गा रहा था यहाँ पे. सो दे आर ऑल वेटिंग फॉर यू. अभी तो कुछ सूझ नहीं, अभी तो प्रेशर में आ गया, मैं कुछ सूझ नहीं रहा, मैं कुछ ऐसे मारता रहता हूँ. एनीवे, इफ पीपल वांट टू लाइक फॉलो माय सेंस ऑफ ह्यूमर, देन यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर. Yeah, and also follow him for his shoe collection. He has an amazing shoe collection. Yeah, one for every day of the year. Yeah. Also at the promotions, he was wearing a really cool pair. Do you want to like say a little bit about your role? Like for example, I play a teacher who wanted to wo doctor banna chahta tha, lekin wo ban nahi paya. Lekin wo apna sara jo hai dream jo hai apni behan ke zariye se wo jeena cha raha hai. But also it is putting a lot of pressure on the sister. And then उसकी वो एम्ब्रॉयड हो जाती है पूरे स्कैम में, और उसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली, दैट इज आदित्य जो किरदार मैं निभा रहा हूँ, माई फैमिली गेट्स कम्प्लीटली ड्रॉन इन टू दिस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. सो आपका जो ये चरित्र है, इसमें कैरेक्टर है, उसके बारे में कुछ ब्रीफली आप बताना चाहेंगे आपके फैंस को? I play SP अनुराधा श्रीवास्तव, जो कि इवेंचुअली इस केस की एक हैंडओवर ले लेती है, उसका हैंडओवर ले लेती है, एंड she tries to resolve the biggest educational scam in India, and बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग इसमें involved होते हैं. So वो कैसे करती है, उसे कैसे आदित्य के साथ जुड़ के काम करती है, और कैसे ये solve होता है. In fact, performances are getting great reviews. Everybody is loving performances, Gulshan. अच्छा, review पढ़ लिया आपने? मैंने तो देखा ही नहीं अभी तक. थोड़े चीजें मैसेजेस भी आए हैं, रिव्यूज भी पढ़े हैं, कुछ कुछ उसके यू नो कैप्शन भी पढ़े हैं, एंड सम ऑफ देम आर ऑल 3 stars, 3.5 stars. सो आई एम वेरी एक्साइटेड बाय द वे. वेरी नाइस टू हियर, गुड टू हियर. डोंट टेल मी एनीथिंग मोर, तो मैं एक हफ्ते बाद देखता हूँ. मैं पहला हफ्ता कुछ, बट योर परफॉर्मेंस इज गेटिंग प्रेज्ड. ओके गुलशन, वो तो हम अच्छे एक्टर्स ही हैं, हमारे बारे में तो अच्छा बोलेंगे ही लोग, है ना. आदत हो गई होगी हर प्रोजेक्ट में, प्रशंसा होती है, मेरी भी होती है हर प्रोजेक्ट में. नहीं, बट ऑनेस्टली आई थिंक वी ऑल वर्क सो हार्ड फॉर शिक्षा मंडल. अ बिग शाउट आउट टू आवर डायरेक्टर अफजाल सर, टू एमएक्स प्लेयर, यू नो, टू हैव द फेथ इन अ समथिंग दैट इज ऑब्वियसली बेस्ड आउट ऑफ ट्रू इंसिडेंट्स, एंड ऑफ कोर्स बिग शाउट आउट टू पवन राज मल्होत्रा, आवर लेजेंड हु इज इन आवर शो. टेल मी समथिंग गौहर, व्हाई आर सच स्टोरीज इंपॉर्टेंट? स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब स्टोरी टेलिंग से हम लोगों का मनोरंजन भी करते हैं, मन बहला देते हैं, लेकिन कई बार उनको उनके सामने एक सवाल भी हम रख देते हैं, प्रश्न चिन्ह रखते हैं. जैसे पवन मल्होत्रा जी ने कहा था हमसे कि ये तो एक प्रश्न चिन्ह है. सो व्हाई आर स्टोरीज सच एज शिक्षा मंडल रेलेवेंट टू अस? यस, एक्चुअली इट अफेक्ट्स एवरीडे लाइफ. जो छोटे पॉकेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर अगर ये स्कैम्स होते हैं, एजुकेशन में अगर घोटाला होता है, तो कितने कई लोग इससे अफेक्ट होते हैं. नॉट जस्ट दैट, इफ समवन गेटिंग अ फेक डिग्री, इफ समवन गेटिंग अ फेक डिग्री एंड वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, या कोई और प्रोफेशनल बन जाता है, उससे कितने लोगों की लाइफ डेंजर में आ जाती है, राइट? तो वी गॉट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. जस्ट गिव मी वन सेकंड, देयर इज अ कैट स्टक इन माय हाउस. ओके, हाउ क्यूट. हे, वन सेकंड, शो अस द कैट, शो अस द कैट. हे, अरे यू वांटेड अ कुशन. Sorry, there was a cat, we had to get her out, sorry. Yeah, please carry on and complete what you were saying. Yes, so basically how it can get, it can affect our lives and how we can all be in a dangerous situation because of that, you know. तो सही एजुकेशन मिलना, सही लोगों को, यू नो, जो जो डिजर्विंग है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी सीट मिलना, उनको उनका एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी होता है. और कई सारे ऐसे लूपहोल्स हैं सिस्टम में जिसको एक्सप्लॉइट करते हैं लोग अपने फायदे के लिए, क्रिमिनल माइंड्स, यू नो, द स्काउंडल्स एंड रास्कल्स, बोलता हूँ उनको. बट
आपको लगता है कि इन चीजों के बारे में आउटरेज होना चाहिए ट्विटर पे? स्कैम्स के बारे में ट्विटर पे आउटरेज तो रहने ही देते हैं रहने ही देते हैं, क्या क्या आउटरेज हो रहा है वहां पर. बट एनीवे आई थिंक एक सवाल आया है जिसपे लिखा है कि क्यों इतने एड्स आते हैं एमएक्स प्लेयर पे. तो अब एमएक्स प्लेयर पे गोल्ड अवेलेबल है जहां पर एड्स बिल्कुल नहीं आ रहे. मियर स्मॉल सब्सक्रिप्शन ऑफ 499 फॉर द होल ईयर. तो यू कैन वॉच इट एक्टिव एंड यू कैन वॉच इट एब्सोल्युटली एड फ्री. तो आपने कभी चीटिंग किया अपनी जिंदगी में स्कूल में, मतलब ऐसे एग्जाम परीक्षा में या कॉपी वगैरह आपने कभी करवाया किसी का? गुलशन कभी भी नहीं. मैं बिल्कुल बिल्कुल गीक थी. आई वाज ऑलवेज अबाउट फॉलोइंग रूल्स एंड फॉलोइंग यू नो द वे माय टीचर्स वांटेड मी. आई वाज एक्चुअली हैशटैग बोरिंग बट स्टिल वेरी वेरी रूल फॉलोइंग. मैंने किया एक बार मैंने किया एंड थैंक्स टू पिंकी रॉड्रिक्स. पिंकी हाय पिंकी. आई थिंक छठी या सातवीं कक्षा में था तो मैं वन ऑफ दोज एग्जाम्स जो बीच वाले होते हैं ना मेन वाले नहीं. वैसे तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक ही रहा मतलब एवरेज था, लेकिन एक बार मैंने पिंकी से कॉपी किया था. तो मेरी आई थिंक कुछ 55-60 लोग थे मेरे क्लास में, तो मैं ऐसे 5 नंबर आया था, 5th रैंक आया था, हाईएस्ट रैंकिंग थी मेरी. थैंक यू पिंकी. बट मैंने चीटिंग करके वो हासिल किया था. सो आई एम सॉरी, अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक्स टू पिंकी ऑल्सो. पिंकी इन केस यू गोइंग टू वॉच दिस समटाइम. बिल्कुल सुनाई नहीं दिया यहाँ पे, कुछ ऐसे गाड़ी गुजरी यहाँ से तो सुनाई नहीं दिया. आप इतने आउटडोर में क्यों बैठी हो गुलशन, पहले मुझे बताओ. नहीं वो इंडोर में ऐसे इंडोर में बहुत लोग ऐसे यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं ना, तो वहाँ पे मुझे लगा यार बाहर कम शोर होगा तो, लेकिन यहाँ नो आई मीन मुंबई आई स्टार्टेड वर्किंग. मैं शूट कर रहा था तो आज थोड़ा फ्री टाइम है तो मैं खाना खाने निकला हूँ बाहर. गुलशन कब खाएंगे, क्योंकि वो खाते ही नहीं थे, क्योंकि वो दिन में एक एक ही मील खाते हैं और दबा के खाते हैं. बट या इट यूज टू बी अमेजिंग हाउ ही फंक्शंस ऑन सेट विदाउट फूड. एनीवे गौहर, आई थिंक वी शुड वाइंड अप राइट नाउ बिकॉज आई थिंक लोगों को और भी काम है करने को और शिक्षा मंडल के बाकी एपिसोड भी देखने होने. बट आई मस्ट टेल यू कि मुझे बहुत मजा आया. बिफोर यू गो यू हैव टू टेल पीपल व्हाई दे शुड वॉच शिक्षा मंडल अकॉर्डिंग टू यू. बिकॉज यू आर रियली ऑसम इन इट. बिकॉज यू आर रियली ऑसम, यू हैव गिवन अ करियर डिफाइनिंग यू नो परफॉर्मेंस इन इट. एंड देन वो तो हम हर प्रोजेक्ट में हम दोनों ही देते हैं ना, करियर डिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स ही देते हैं हम हर बार, क्योंकि बहुत रेलेवेंट स्टोरी है, बहुत रेलेवेंट स्टोरी है. कई सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ऐसे स्कैम्स हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं. हाँ डेफिनेटली हमने ये लोगों के मनोरंजन आपके मनोरंजन के लिए बनाया है और ऐसे किरदार भी है, कई सारे इंटरेस्टिंग मनोरंजक किरदार है. बट ओवरऑल ये स्टोरी जो पॉइंट ये स्टोरी जो सवाल ये स्टोरी खड़ा करता है वो ये भी है कि आज के समाज के साथ काफी जुड़ा हुआ है, काफी रेलेवेंट है. सो एजुकेशन के साथ कुछ भी ऐसे डिसऑनेस्टी नहीं होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए और डिसऑनेस्टी बिल्कुल नहीं चलेगा. एजुकेशन धंधा हो सकता है लेकिन वो डिसऑनेस्ट धंधा नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है और ये शो के बनाने वालों का मानना है. तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज से जुड़ेंगे और आगे इन सब स्कैम्स जब आपके मतलब नजर में आएंगे, आपके इर्द गिर्द समाज में ऐसे स्कैम देखेंगे तो आप आवाज उठाएंगे, अपनी आवाज को पहुंचाएंगे सरकार तक ताकि ऐसे स्कैम्स आगे हमारी जिंदगी में ना हो और लोगों की जिंदगियां बर्बाद ना हो. एनीवे आई सेड दैट इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर वर्किंग विद यू, बहुत ही बढ़िया रहा. एंड उम्मीद करता हूँ कि सीजन 2 में जल्दी हमारी मुलाकात वापस होगी और कई सारे सीन्स होंगे हमारे साथ. Definitely. बहुत मजा आया गुलशन, lots of love to you and I'd love to work with anytime, anywhere. And all our love for Shiksha Mandal, we made it with a lot of heart. So please आप देखिए MX Player पे download कीजिए MX Gold also. अगर आपको ad free देखना है और HD quality में देखना है तो please देखिएगा. Lots of love. Please watch Shiksha Mandal. Bye. Yes. Thank you दोस्तों. Thank you very much for listening to us. Bye गुलशन. आज बस इतना ही. Bye. Bye bye.